दिल्ली के इंडिया कट छोड़ दिया है, मीटिंग हुई है, राहुल गांधी सोनिया गांधी भी मीटिंग जिते हाजिर रहे हैं। तो उतनी तुम दस दिए कि खड़गे ने कहा कि असी सारे सहयोगी दलों के नाल चर्चा की है, गठजोड़ बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहेगा, इस हिसाब के नाल लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब के नाल लोग सभा चोणा 2024 तो पहला दिल्ली के इंडिया कट छोड़ दिया कई अहम मीटिंगा हुई, उस मंथन होया तो अज जी मीटिंग हुई है उस खड़गे ने कहा कि असी सारे सहयोगी दलों के नाल चर्चा की है, गठजोड़ बीजेपी के खिलाफ इस हिसाब के लड़ता रहेगा। यानी कि सीधे तौर पर देखिए तो जिते एक पास एनडीए तो दूसरे पास इंडिया गठजोड़, तो हूँ देखना होगा कि आने वाले समय में रणनीति है कहोजी रही है। दिल्ली के इंडिया गठजोड़ की अहम मीटिंग काफ़ी चर्चा हुई है, मंथन होया है, जो लोग सभा चोणा 2024 हुई ने। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग दो घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया ब्लॉक थैंक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision and we all together agreed on these points and will definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up.